और अब रुक कर लेते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। मथुरा में अहोई अष्टमी के मौके पर निसंतान दंपतियों ने राधाकुंड में लगाई डुबकी। भक्ति की चादर लिपेट कर श्रद्धालु श्री राधा का नाम जपते हुए नजर आए। लखीमपुर खीरी में बदमाशों का कहर, युवक को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। आजमगढ़ में घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया कानून को, वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित को पैमाइश के लिए काफी दिनों से कर रहा था पैसों की डिमांड। आजमगढ़ में पराली जलाने का कार्यक्रम हुआ आयोजित। आग और धुएं से होने वाले प्रदूषण का पर्यावरण को हुआ है नुकसान। पराली जलाने पर राजस्व टीम और ग्राम प्रधान ने जारी किए हैं सख्त निर्देश। लखनऊ के चारबाग में वॉशिंग एरिया में लगी भीषण आग, आग ने लिया विकराल रूप। दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। बांदा में पत्नी को तीन तलाक देने पर लेखपाल पर दर्ज हुआ मुकदमा। शादी के बाद दहेज को लेकर प्रताड़ित करता था पति, मुस्लिम विवाह सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला हुआ दर्ज। लखनऊ में स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलटी, बस में सवार दर्जनों बच्चों को आई है गंभीर चोटें, घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। कानपुर में नशेबाजों ने मिस्त्री से की मारपीट, मामूली बात पर हुआ था विवाद। इंदिरा नगर चौकी क्षेत्र का पूरा मामला। बाराबंकी में दरोगा सहित दो पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एसपी ने दर्ज किया लूट और मारपीट का मुकदमा। कोतवाली प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मी हुए लाइन हाजिर। रायबरेली में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, उमेशपाल हत्याकांड के दौरान शहीद हुए राघवेंद्र सिंह की फोटो पर स्मृति के तौर पर लगाने की रखी मांग। प्रतापगढ़ में पुलिस की हिस्ट्री शीटर के साथ हुई मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। फरुखाबाद में खेतों में दिखा बाघ, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, ग्रामीणों ने बाघ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। बाराबंकी में आप कार्यकर्ताओं ने मांगी भीख, बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, चंदा इकट्ठा कर प्रधानमंत्री को भेजेंगे चेक। सहारनपुर में भाजपा विधायक के लापता होने का लगा है बैनर, गांव में विकास कार्य न होने के कारण जताई है नाराजगी, विधायक को ढूंढने पर दिया जाएगा इनाम। अलीगढ़ में लोगों ने घरों पर लगाए मकान बिकाऊ के पोस्टर, दबंग भाजपा नेता से परेशान होकर उठाया है कदम, मामले की शिकायत के जाने पर भी नहीं हुई है कोई कार्रवाई। आगरा में खेरागढ़ एसडीएम ने की एक बीएलओ पर बड़ी कार्रवाई, मतदाता अभियान पर न पहुंचने पर उठाया है कदम, मतदाता अभियान पर बंद मिला था स्कूल का गेट। झांसी में मालगाड़ी की चपेट में आने से बेजुबान किशोर की मौत, सूचना मिलने से परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। लखीमपुर खीरी में बदमाश हुए बेखौफ, दिन दहाड़े युवक को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, घटना सीसीटीवी में हुई है कैद। बंदायू में साइकिल में बाइक टच हो जाने पर हुआ विवाद, दो लोगों में जमकर हुई मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मैनपुरी में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा कमलपुर मानसेरपुर मार्ग, दो महापूर्व बनी सड़क गड्ढे में हुई तब्दील। अलीगढ़ में ममता को तार तार करने वाली घटना आई है सामने, चंद घंटे की दूध मुही बच्ची को खेत में छोड़ाई मां, पुलिस ने उपचार के बाद चाइल्ड लाइन को सौंपा। इटावा में युवती का फंदे पर लटकता हुआ मिला शव, परिजनों में पसरा हुआ है मातम, सात लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया है केस। लखनऊ में इटौंजा थाने क्षेत्र के एसबीआई पहुंचे एसीपी, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, कर्मचारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश।